मास्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर यानी सरसों की खली की तरल सार बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक फर्टिलाइजर है। ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है और बहुत सारे गार्डनर तो ऐसे भी हैं जो बस मास्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर ही अपने पौधे में इस्तेमाल करते हैं। इस फर्टिलाइजर के बारे में मैं जितना बोलूँ उतना ही कम होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। लेकिन गर्मियों में अपने मन में ये सवाल ज़रूर आता है, क्या हम गर्मियों में भी मास्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पौधे में दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो किस तरीके से दे। अगर आपके मन में भी ये सभी सवाल है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में आपके मन में जितने भी डाउट्स होंगे वो सभी क्लियर हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बहुत सारे गार्डनर या फिर यूट्यूबर गर्मियों में अपने पौधे में मास्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर देने से मना करते हैं। इसका जो मेन रीज़न होता है, अगर हम गलत मात्रा में अपने पौधे में ये फर्टिलाइजर दे देते हैं तो अपने पौधे को फायदे की जगह पर नुकसान ही मिलता है और अपना पौधा मर भी सकता है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखे बगैर आप कभी भी अपने पौधे में मास्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर इस्तेमाल मत कीजिए। इससे आपके पौधे को फायदे की जगह पर नुकसान ही होगा और आपका पौधा मर भी सकता है। गर्मियों में कोई भी फर्टिलाइजर अपने पौधे में देने से पहले हमें 2-3 बार अच्छी तरीके से सोचना होता है कि अपने पौधे को ये कोई नुकसान तो नहीं करेगा। और मास्टर्ड का लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर हम गलत क्वांटिटी में अपने पौधे में दे देते हैं तो अपने पौधे को नुकसान ही होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग इस देने से मना ही कर देते हैं। लेकिन गर्मियाँ अपने पौधे के लिए ग्रोथ का मौसम होता है, और अगर हम गर्मियों में अपने पौधे में ठीक से फर्टिलाइजर नहीं देते तो अपने पौधे का ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाता। इसीलिए हम पौधे में इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से करना है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं हम मास्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर किस तरीके से बना सकते हैं इसके बारे में। सबसे पहले मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मास्टर्ड केक ले लिया है। आपके पास इस तरीके का दानेदार या फिर पाउडर जो भी अवेलेबल हो उसे आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपका मास्टर्ड केक जितना पुराना होगा आपके पौधे के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर मैंने एक बाल्टी ले लिया है। इस बाल्टी में मैं करीब 2 मुट्ठी इस मास्टर्ड केक को ले लूँगा। आपको माप के लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, 2 से 2.5 मुट्ठी मास्टर्ड केक आप ले सकते हैं। अब हम इसमें 5 लीटर पानी ऐड करेंगे। अगर आप पाउडर फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो डंडी की मदद से आप थोड़ा सा इसे हिला दीजिएगा, वरना छोड़ दीजिए। इसको हम अब एक छेदी जगह पर रख देंगे। 1 दिन के बाद यहाँ पर आप देख ही सकते हैं ये किस तरीके का हो गया है। अब हम इसको अच्छी तरीके से एक बार मिला देंगे, एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से हम दिन में 2 बार इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे। दो दिन के बाद का रिजल्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम फिर से इसको अच्छी तरीके से मिला देंगे। तीन दिन के बाद का रिजल्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। अपना फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। जब इसके ऊपर बिल्कुल भी मास्टर्ड केक ना तैर रहा हो तब आप समझ जाइए आपका फर्टिलाइजर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम बात करते हैं मेन चीज यानी पानी और इस फर्टिलाइजर का रेशियो का। हम नॉर्मली 1:10 रेशियो में इस फर्टिलाइजर के साथ पानी मिलाते हैं, लेकिन गर्मियों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हम इसके साथ करीब 20 गुना पानी मिलाएंगे ताकि अपना फर्टिलाइजर अपने पौधे में दे सके। यहाँ पर आप 20 की जगह पर 25 या फिर 30 भाग पानी भी मिला सकते हैं।
लेकिन आप कभी भी 20 से कम पानी मत मिलाइए, क्योंकि गर्मियों में अगर ये फर्टिलाइज़र ज़्यादा पतला हो जाएगा तो आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये फर्टिलाइज़र अगर ज़्यादा घना हो जाएगा तो आपके पौधे को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए ही बहुत सारे गार्डनर आपको इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से मना करते हैं। इसीलिए आप पानी और इस फर्टिलाइज़र के रेशियो का खास ध्यान रखें। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, अगर आप एक ग्लास इस फर्टिलाइज़र को लेंगे तो आप इसके साथ कम से कम 20 ग्लास पानी मिलाएंगे। आप चाहे तो 25 ग्लास या फिर 30 ग्लास पानी भी मिला सकते हैं, लेकिन आप कभी भी 20 ग्लास से कम पानी मत मिलाइए। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। मैंने भी यहाँ पर 20 गुना पानी इसके साथ मिला लिया है। अपना फर्टिलाइज़र बिल्कुल रेडी हो चुका है अपने पौधे में इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन आप इस रेशियो का खास ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं इस फर्टिलाइज़र को हम किस तरीके से अपने पौधे में इस्तेमाल करें इसके बारे में। इस फर्टिलाइज़र को आप हमेशा पौधे की मिट्टी में ही इस्तेमाल कीजिए। आप कभी भी इस फर्टिलाइज़र को स्प्रे करके अपने पौधे में ना दें, इससे आपके पौधे जल जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें हम कितनी मात्रा में इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे में इस्तेमाल करें, तो आप जितना पानी आपके पौधे में देते हैं उतना ही फर्टिलाइज़र अपने पौधे में इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ साथ आप ध्यान रखिए, कभी भी बिल्कुल सूखे हुए मिट्टी में आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस फर्टिलाइज़र को देने से पहले अपने पौधे की मिट्टी का मॉइस्चर चेक कर ले। अगर आपके पौधे में मॉइस्चर होगा तो ही आप इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे में इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो अपने पौधे में पानी दीजिए, उसके थोड़ी देर बाद आप इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे में इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ साथ आप ध्यान रखिए, तेज़ धूप में आप कभी भी इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे में नहीं देंगे। मैं आपको रिकमेंड करूँगा गर्मियों में सुबह 7 बजे से पहले या फिर शाम को 4 बजे के बाद ही आप इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे में इस्तेमाल कीजिए। इससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और आप रेशियो का खास ध्यान रखिएगा, 1:20। अब हम बात करते हैं इस फर्टिलाइज़र को हम कितने दिन बाद अपने पौधे में इस्तेमाल करें। मास्टर के लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप 15 दिन बाद अपने पौधे में इस्तेमाल कीजिए। और फर्टिलाइज़र देने के बाद अगर आपके पौधे के मिट्टी के ऊपर कुछ इस तरह का लेयर हो जाए तो आप आपके पौधे के मिट्टी में अच्छी तरीके से गुड़ाई कर दीजिए। और इसके साथ साथ आप जिस दिन अपने पौधे में इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे उसके अगले दिन अपने पौधे को अच्छी तरीके से नहला दीजिए और पौधे के मिट्टी में भरपूर पानी दे दीजिए। यही आज का वीडियो मास्टर विक का लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप गर्मियों में किस तरीके से अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।